Assalamualaikum guys, welcome back to another art video. तो आज की वीडियो में मैं करूँगा टेप वाली पेंटिंग. तो इसमें टेपिंग तो मुझे आती है बट इतनी सही से नहीं, तो मैंने अपनी मम्मी को कहा आप टेप्स लगाएं, मैं वीडियो बना लेता हूँ. तो क्योंकि मैं अगर लगाऊँ तो थोड़ी टेढ़ी कर देता हूँ, मुझसे सही टेप नहीं लगती. वो जो पेंटिंग में साइट पे लगाते हैं वो तो मुझसे लग जाती है बट मुझसे ऐसी वाली नहीं लगती. तो इस पेंटिंग में हम एक वो ऊपर टेप्स के साइड पे टेप्स की साइड पे पेंट करते हैं, एंड फिर जब पेंट कर लेते हैं तो पेंट को सुखाते हैं, एंड जब सुखा लेते हैं तो पेंट को वो फिर टेप उतारते हैं, एंड फिर रिजल्ट ऐसे पेंट होया होता है एंड मिडल में ऐसे वाइट काफ़ी अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल सी पेंटिंग लगती है, कलरफुल शाइन भी करती है बहुत ज़्यादा. स्प्रेड कर दिया, फिर वीडियो लंबी हो जाती है. तो फर्स्ट कलर हम करेंगे ऑरेंज. तो मुझे तो ये इंतज़ार है कि पेंटिंग कब ख़त्म होएगी और हम मैं इसका फाइनल लुक देखूं और आपको भी दिखाऊं. तो ये कलर इस टाइप का इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें वो भी ब्लेंड करना था रेड कलर. तो नेक्स्ट कलर के लिए नेक्स्ट कलर है गोल्डन प्लस एमरल्ड ग्रीन. तो पहले इसको थोड़ा ऊपर से करते हैं स्टार्ट, इनको यूं नीचे थोड़ा ब्लेंड करते हैं. अब गोल्डन के साथ ग्रीन तो ब्लेंड सही. तो मुझे तो नहीं लगता गोल्डन के साथ एमेराल्ड ग्रीन अच्छे से ब्लेंड होएगा, तभी इस टाइप का ब्लेंड होगा. तो वो कलर तो हो चुका है. तो अभी ये वाला गोल्डन हो गया और अभी फिर से गोल्डन करना है, बट वो दूसरा गोल्डन था, ये शाइनी गोल्डन है. आप भी नोट कर ही रहे होंगे ये शाइन कर रहा है उस वाले कलर से ज़्यादा, क्योंकि ये शाइनी गोल्डन. तो अभी नेक्स्ट हमें ब्लू ग्रीन एमरल्ड ग्रीन और डार्क ग्रीन पे ब्लेंड करना. तो गाइस ये तीन कलर तो हो गए, अब हमें करना है सी ब्लू, पैंथन ब्लू और एमरल्ड ग्रीन और डार्क ग्रीन को ब्लेंड. इनको ब्लेंड करने एंड एमरल्ड ग्रीन और पैंथन ब्लू तो सही से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं. ब्लू ग्रीन यहाँ पे थोड़ा ब्रश साफ करना, और क्योंकि ब्लू बस थोड़ा कम था, ग्रीन दो कलर है तो इसीलिए ब्लू थोड़ा कम हो गया, सही से दिख नहीं. तो ये तो हो गया, अब नेक्स्ट करना. तो नेक्स्ट हम करेंगे पैंथन ब्लू, सिर्फ इसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी. तो पहले ऊपर लेके जाना है फिर यहाँ से. अब आपको तो लग रहा होगा मैंने इधर घुसा दिया बट नहीं घुसाया, ये टेप लगी हुई है. तो ये ब्लू तो हो गया, अब इस ब्लू को करना है ब्लू और रेड मैंने बहुत ज़्यादा किया क्योंकि ये कलर्स इस टेप पेंटिंग में अच्छे भी लगते हैं, तो मैंने ज़्यादातर कलर यही किए. तो मुझे तो बस यही इंतज़ार है कि कब ये पेंट मैं करूँ और टेप उतारूँ, क्योंकि मुझे टेपिंग वाला काम बड़ा पसंद है. टेप्स उतारने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है एंड फाइनल लुक देखने. तो ये कलर भी हो गया, अब नेक्स्ट है क्रिम्सन रेड और ऑरेंज. ये क्रिम्सन रेड थोड़ा ये
इसका नाम है क्रिम्सन रेड, बट ये होता थोड़ा पिंकिश कलर है। तो ये कलर तो हो चुका, अब नेक्स्ट कलर। तो वो भी हो चुका है, अब नेक्स्ट करते हैं। तो ये है रेड और ऑरेंज। तो रेड और ऑरेंज का मिक्सचर कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा लग रहा है इस पेंटिंग में कि मैं कलर मिक्सिंग कर रहा हूँ, कि इस कलर को इससे मिलाओ तो ये बनता है, इसको उससे मिलाओ तो ये बनता है। तो नेक्स्ट कलर है डार्क रेड प्लस ऑरेंज, तो इन्हें करना है हमने ब्लेंड। तो इतनी छोटी सी जगह पे ब्लेंड हो जाएगा, एंड ये काफ़ी कलरफुल पेंटिंग है, मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसी इतनी कलरफुल। तो ये ऑरेंज काफ़ी लाइट है, ऑरेंज इतना सही से दिख तो नहीं रहा, बट बीच में ऑरेंज भी है। तो ये कलर भी हो गया, अब नेक्स्ट है सिर्फ डार्क रेड। तो अब इस लास्ट रेड को करते हैं, एंड करते साथ ही एक बार बताता हूँ, एक टिप दे देता हूँ, अगर आपको भी ये पेंटिंग करनी है तो आप ये सब चीज़ें तो करें, लेकिन जैसे ही पेंट हो जाए अपने टेप उतारनी नहीं है, पेंट जब पेंट को सुखाना भी है। तो मेरी पेंटिंग तो हो गई, अब फाइनल लुक आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जब ये ड्राई हो जाएगी टेप उतारते हुए। तो मुझे तो ये काफ़ी कलरफुल और अच्छी पेंटिंग लग रही है, आप भी कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। तो गाइस अब ये तो पेंटिंग तो सूख चुकी है, अभी इसमें अभी इसकी टेप आराम आराम से उतारनी है, बहुत स्लो स्लो टेप से इसकी उतारनी है, नहीं तो पेज ही फट जाएगा, फिर सारी मेहनत ही ज़ाया हो जाएगी। तो गाइस अभी मैं टेप्स उतार के आपसे मिलता हूँ।